हे गाइस, लगभग 8000 स्टॉक लिस्टेड है NSE और BSE पे। तो क्या हमें ट्रेडिंग के लिए डेली बेसिस पे इन 8000 स्टॉक स्कैन करने की जरूरत है? ऑब्वियसली नॉट। आपको जस्ट कुछ स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो ट्रेडिंग करने में। आप डेली बेसिस पे उन स्टॉक स्कैन कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। जब आप ऐसे कुछ स्टॉक को ढूंढे जिसमें आप कंफर्टेबल ट्रेडिंग करने में, तो आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए। देख लीजिए कि स्टॉक एक ही सेगमेंट हो, या इसलिए क्योंकि एक ही सेगमेंट वाले स्टॉक को दिन के दौरान ट्रेडिंग किया जा सकता है। पक्का कीजिए कि स्टॉक ऑपरेटर ड्रिवन नहीं हो, ये थोड़ा कठिन है, ये चीजें थोड़ी एक्सपीरियंस से आती है। पक्का कीजिए कि स्टॉक में पर्याप्त लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी को देखने के लिए बिड आस्क स्प्रेड को देखिए, जितना कम स्प्रेड हुआ उतना ज्यादा लिक्विड स्टॉक। अगर आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, आप निफ्टी 50, सेंसेक्स 30 स्टॉक का देख सकते हैं। इन्हें इंडेक्स स्टॉक बोलते हैं और एक्सचेंज द्वारा इन्हें केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है। जब इन्हें सेलेक्ट किया जाता है इंडेक्स स्टॉक के लिए, तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, इंक्लूडिंग जो पॉइंट हमने बात की है। निफ्टी 50 वाले स्टॉक एक स्विंग ट्रेडर के लिए और डे ट्रेडर के लिए बेस्ट होंगे।